हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और लेकर आया हूं खबर नुसरत जहां की। जी हां, नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी को लेकर जो अटकलें शुरू हुई थी, जो खबरबाजियां शुरू हुई थी, जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसको लेकर तस्लीमा नसरीन ने भी, बांग्लादेश की जो विवादास्पद राइटर है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपना बयान व्यक्त किया है, ओपिनियन दिया है उसको लेकर, और साथ ही साथ बहुत सारी बातें कही है उसको लेकर। नुसरत जहां ने एक न्यूज एजेंसी को अपना स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के, कि बींग ऑन फॉरेन लैंड, टर्की में ये उनकी शादी हुई थी, और वहाँ पर जो टर्की का मैरिज एक्ट है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर शादी वैसे ही अमान्य हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। और साथ ही साथ वो ये भी लिखती है कि ये इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ हिंदू मुस्लिम की शादी है, तो जब तक स्पेशल मैरिज एक्ट में या इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो शादी वैसे ही अमान्य हो जाती है, यानी शादी हुई ही नहीं। एज पर कोर्ट ऑफ लॉ, इट्स नॉट अ मैरिज बट रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप, दस द क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स डज नॉट अराइज। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई, जब तक ये शादी ही मान्य नहीं है, तो ये एक लिव इन रिलेशनशिप है, इसलिए डाइवोर्स का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम वैसे ही अलग रह रहे हैं। और अभी तक मैंने इस बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरी ये प्राइवेट लाइफ है, ये वैसी की वैसी बनी रहे। तो अभी दस माय क्वेश्चन मस्ट नॉट बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेपरेशन बाय द मीडिया और एनीबडी आई एम नॉट रिलेटेड टू। द एलिज्ड मैरिज इज नॉट लीगल, वैलिड एंड टेनेबल, दस वॉज नॉट अ मैरिज एट ऑल इन द आई ऑफ लॉ। तो अभी तक उनकी जो शादी है वो कानूनी तौर पर अमान्य थी, उसको किसी भी तरह से वैलिड नहीं थी, लॉ के हिसाब से उसको शादी नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा नुसरत जहां का बयान है। अब अगला पॉइंट वो जो लिखती है, माय विजिट टू एनी प्लेस फॉर बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ लीजर शुड नॉट कंसर्न एनी वन विथ हुम आई हैव सेपरेटेड, ऑल माय एक्सपेंसेस हैव ऑलवेज बीन बॉर्न बाय मी कर्टसी टू डीम बाय समवन। जहां मैं जाती हूं, अपने काम के सिलसिले में जाती हूं, वो मेरा प्राइवेट अफेयर है, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। यानी वो निखिल की भी बात करी, किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब सेपरेट हो चुकी हूं, इसमें किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। तीसरे पॉइंट में वो लिखती है, आई वुड ऑल्सो स्टेट दैट आई हैव सोली बॉर्न द एक्सपेंसेस फॉर माई सिस्टर्स एजुकेशन एंड माई फैमिली वेलबींग फ्रॉम डे वन एंड दे हैव बीन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड नॉट यूज और कीप एनी वन क्रेडिट कार्ड whom I am related, I am not related to anyone anymore. This is too can be backed up by evidence. वो ये कहती है कि मेरी बहन और मेरे परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बहन के एजुकेशन का वो है, वो शुरू से सिर्फ और सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए मुझे किसी के क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी, और ये मैं सबूतों के साथ सिद्ध कर सकती हूँ। चौथे पॉइंट में वो लिखती है, द वन हु क्लेम्स टू बी रिच and been used by me has been taking money from my account by accessing my bank account illegally but by illegitimate means at odd hours at the night even post separation I have been already taken this up the concerned banking authorities and police complaint shall be filed shortly। अब वो निखिल पे ये आरोप भी लगा रही है साथ ही साथ कि जो अपने आप को बहुत धनवान कह रहे हैं, रिच कह रहे हैं, उन्होंने मेरे अकाउंट से आधी रात को पैसे निकाले, जिसकी कंप्लेंट वो बैंक अथॉरिटीज़ को कर चुकी है और वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करने जा रही है बहुत जल्द, वो भी सबूतों के साथ। अब आगे वो लिखती है, इन द पास्ट डिटेल ऑल माय फैमिली अकाउंट्स वेयर हैंडेड ओवर टू हिम अपॉन हिज रिक्वेस्ट एंड नन ऑफ मी और माई फैमिली मेम्बर्स वेयर अवेयर ऑफ एनी instruction given to bank via our account. He has also been mishandling my funds from various accounts without my knowledge and consent. I am still battling out with the bank and if needed would release proof of the same. अब वो ये कह रही है कि मेरे अकाउंट को भी mishandle किया गया मेरी मर्जी के बिना, बैंक को क्या instruction दी है वो भी मुझे नहीं मालूम। पांचवें पॉइंट में लिखती है, also my belongings including my clothes, bags, accessories still remain with them. अभी उनके कपड़े लत्ते बैग्स वगैरह सब उनके साथ है। आई एम disheartened एंड disappointed टू स्टेट दैट ऑल my फैमिली ज्वेलरी गिवन टू मी बाय my parents, फ्रेंड्स एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड my ओन hard earned assets has been illegally held back by them. उनका जो ज्वेलरी है, सोना चांदी कपड़े,
ये सब इलीगली निखिल जैन के घर पे रखा हुआ है, उनके उनके पोजीशन में है, वो ये भी कह रही है, बींग अ रिच डज नॉट ऑलवेज गिव अ मैन टू राइट टू एक्ट एज अ विक्टिम एंड बिलिटेड बाय वुमन अलोन इन दिस सोसाइटी। रिच होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बहुत विक्टिम साबित करें, पीड़ित साबित करें और एक महिला को समाज से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दें। आई हैव मेड बाय ओन, मैंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो अकेले खुद बनाई है, खुद अपने मेहनत के बल पे बनाई है। दस आई वुड नॉट अलाउ एनी वन टू रिलेटेड मी टू शेयर दिस लाइमलाइट। मैं इस लाइमलाइट को मैं किसी और को शेयर करने देने की के पक्ष में नहीं हूं। ये सिर्फ मेरी अपनी आइडेंटिटी है जो मैंने बनाई है और वो अपने चाहने वालों के बल पे बनाई है। सातवें पॉइंट में वो लिखती हैं, आई वुड नेवर स्पीक अप अबाउट माई पर्सनल लाइफ और एनी वन आई एम नॉट रिलेटेड टू। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी प्राइवेट लाइफ के या किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई बात नहीं की। दस पीपुल कॉल देमसेल्फ नॉर्मल पीपल मस्ट नॉट एंटरटेन। जो अपने आप को नॉर्मल कहते हैं उसको इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, जो जो इससे पूरे मामले से रिलेटेड नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट टू मीडिया टू रिफ्रेन फ्रॉम क्वेश्चनिंग द रॉन्ग पर्सन हु हैज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस लॉन्ग नाउ, टर्निंग सेड्रॉन पर्सन एज क्लेम बाय समवन इन टू हीरो, गिविंग वन साइडेड स्टोरीज टू मलाइन माई इमेज इज नॉट डिजायरेबल। आई वुड अर्नेस्टली रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया टू नॉट गिव अननेसेसरी माइलेज टू सच पीपल और सिचुएशन। वो निखिल को इनडायरेक्टली ये कह रही है कि इससे मीडिया अटेंशन सीक ना करें, मीडिया की लाइमलाइट शेयर ना करें, और मीडिया के लोगों से ये वो रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके बारे में जो भी बात करना है वो उनसे करे, वो निखिल से बात नहीं करे, क्योंकि अब उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं बचा। तो अब इस पूरे मामले में सवाल उठेंगे कुछ एक चंद। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ऑनेस्टली नुसरत ने अपना बयान दे दिया है, उसमें सारी बातें क्लियर कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़े धूम धड़ाके से पूरा सेरेमनी हुई, सब बातें हुई हिंदुस्तान में, नुसरत के जो चाहने वाले हैं उन्होंने उसको सेलिब्रेट भी किया। अब जो टीएमसी का विरोधी पक्ष है, वो भले भाजपा हो या कोई भी हो उनके, या विद इन द पार्टी भी उनके विरोधी हो, वो इस बात पर सवाल उठाएंगे कि यानी नुसरत को पहले दिन से पता था कि उनकी शादी जो है वो लीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पे मान्य नहीं है, तो उसको शादी के फंक्शन, शादी की तरह से बड़ा तामझाम क्यों किया गया। तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, कि कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो आगे तो बढ़ेगा, ये कोई सामान्य विवाद नहीं, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री का मामला होता तो जैसे मैंने कहा P3 में स्टोरीज आती और हो जाता मामला, लेकिन चूंकि नुसरत टीएमसी की सांसद है तो इस मुद्दे का पॉलिटिसाइज होना बहुत लाजमी है, इसका राजनीतिकरण होगा ही होगा। अब देखते हैं कि ये इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल कैसे आता है, राजनीतिक गतिविधियां कैसे होती है बंगाल में, ममता दीदी इसको किस तरह से लेती है, ये अब देखने वाली बात होगी।